लोग ये कह रहे हैं कि सीज फायर हो गई है, लेकिन अगर यही होना था और इधर ही पहुंचना था, हमने इसी तरह पहुंचना था, तो फिर अल्लाह खैर करे। मुझे तो फिर कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है इस हकूमत से, जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है। मैं हकूमत से ही गुजारिश करता हूँ कि खुदारा जो भी कदम उठाएं, सोच समझ के उठाइए। भारत ने आपको एक दफ़ा फिर ट्रैप कर लिया है। सीज फायर से हमें कुछ नहीं मिला है, जैसे कि शहबाज ने, हम ग्रे लिस्ट में भी रहेंगे, बलूचिस्तान में भी सारा कुछ वैसे ही जारी रहेगा। पाकिस्तान आजाद कश्मीर दुश्मन के पास जाएगा, जिसका फैसला इमरान की हुकूमत में होगा। चीन ने पहले भारत के साथ एलएसी पर शांति बहाल करने का समझौता किया। वह खबर अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पाकिस्तान से यह खबर आई कि पाकिस्तान भी अपनी सीमा पर भारत के साथ सीज फायर का समझौता करना चाहता है। उसको भारतीय सरकार ने मान भी लिया और पिछले 24-25 की रात से सीज फायर लागू भी हो गया। एज फार एज जो आपने कहा कि जो वायदा है या अभी क्या हुआ है, आज जिस बारे में हमने ये प्रेस रिलीज भी किया, ये एक एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग थी 2003 में, जब सीज फायर को बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया था। सो वो सस्टेन किया बहुत अरसा तक, बट 2014 ऑनवर्ड फिर इसमें स्पाइक आ गई सीज फायर वायलेशन में, और जो अभी तक चल रही है। नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड के इसको उस मैकेनिज्म को, उस अंडरस्टैंडिंग को जो 2003 में हुई थी, उसको दोबारा से लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए। अचानक चीन के साथ पाकिस्तान के हृदय परिवर्तन का क्या राज है, इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं इस सीज फायर को पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह से देखा जा रहा है। सीज फायर से हमें कुछ नहीं मिला है, जैसे कि शहबाज ने, हम ग्रे लिस्ट में भी रहेंगे, बलूचिस्तान में भी सारा कुछ वैसे ही जारी रहेगा। और जो दुनिया में हमारा, जो भारत ने इकोनॉमिक लॉकडाउन और इकोनॉमिक हमसे वॉर शुरू की हुई है, पानी की जंग शुरू की हुई है और माशी जंग शुरू की हुई है, वो वैसे ही रहेगी। और कश्मीर जो वो अपने डिजाइन के मुताबिक सेटल करना चाहता है, ये सीज फायर उसमें फैसिलिटेशन है। मैं बार बार यही कहता रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल में, जब से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A रिवोक हुए हैं, तो मैं इशारों इशारों में बहुत सी बातें कहता रहा हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत वक्त से, लेकिन अगर यही होना था और इधर ही पहुंचना था, हमने इसी तरह पहुंचना था, तो फिर अल्लाह खैर करे। मुझे तो फिर कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है इस हकूमत से, जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है। आज बस कुछ यही हालात हैं। अगर बैक चैनल और फिर कौन लोग इन्वॉल्व हैं जो आई डू नॉट नो, तजुर्बा बड़ा काउंट करता है। और अगर हम इसी तरह ही गिव इन करते रहे चीज़ों पे, और अपनी इसी तरह हम इंगेजमेंट का दम भरते रहे कि हम तो इंगेजमेंट चाहते हैं भारत के साथ, टॉक्स चाहते हैं भारत के साथ, तो फिर बस यही एंड है। और फिर हमें इसी पे इक्तफा करना चाहिए। लेकिन आज कोई, मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छा दिन है पाकिस्तान या कश्मीर के लिए। लोग ये कह रहे हैं कि सीज़ फायर हो गई है, सीज़ फायर सब टेम्प्रेरी मामलात हैं। भारत भी टाइम गेन करना चाहता है, कश्मीरियों को बताना चाहता है कि देखिए पाकिस्तान बस इंटरेस्टेड नहीं है अब आपके कॉज में, तो यू बेटर गिव अप योर स्ट्रगल। तो ये इसके बड़ी डायमेंशंस हैं। मैं हुकूमत से ही गुजारिश करता हूँ कि खुदारा जो भी कदम उठाएं, सोच समझ के उठाइए। भारत ने आपको एक दफ़ा फिर ट्रैप कर लिया है इस बायलैटरल इंगेजमेंट के खाते में। ये तो वक्त और कुछ चीज़ों का था, लेकिन अब क्या किया जाए कि समझ नहीं आ रहा कि ये हुकूमत चाहती क्या है, इसके लॉन्ग टर्म क्या पेश नज़र है। भारत वो सारा काम जो इसराइल ने 70 साल में किया था, भारत अगले 3 साल में मुकम्मल कर देगा। मगर जो बात कही जाती है कि तुमने जंग से बचने के लिए जिल्लत और रसवाई का रास्ता अख्तियार किया, तब तुम्हारे नसीब में जंग भी है और जिल्लत भी।
साफ बात मैं कर रहा हूँ कि अब जो कुछ पाकिस्तान के साथ होगा इस हुकूमत के अहदे इख्तदार में पाकिस्तान आजाद कश्मीर दुश्मन के पास जाएगा, इसका फैसला इमरान की हुकूमत में होगा। और जो इनके तेवर हैं, जो इनके हालात हैं, जो इनकी सूरत हाल है, जिस तरह की पैसिफिज्म है, जिस तरह का डिफेंसिव खौफजदा एटीट्यूड है इनका, मुझे खौफ है अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हम मुजफ्फराबाद हाथ के ना धो बैठे। क्योंकि नरेंद्र मोदी इस वक्त पूरी तरह एग्रेसिव होके, खासतौर पर जो बाइडन के आने के बाद, इसराइल और अमरीका पूरी तरह भारत की पुश्त पर है कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत और एटमी ताकत को खत्म करने के लिए अभी नरेंद्र मोदी के भारतीय हिंदुत्व कुत्ते लॉन्च किए जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तानी कौम तैयार नहीं है, हुकूमत तो बिल्कुल ही तैयार नहीं है, इसको तो पता ही नहीं कि इसके साथ होने क्या। लेकिन मुझे लगता यही है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है इश्यूज की, अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं है कि भारत के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट क्या हैं फॉर दैट मैटर। तो थोड़ा बहुत आई एम लिटिल बिट डिसमेड द वे वी आर हैंडलिंग आर इंडिया पॉलिसी एंड आर कश्मीर पॉलिसी। आई एम सॉरी टू से दिस बट दिस इज़ व्हाट आई ऑनेस्टली थिंक। आई मे बी रॉन्ग एंड आई होप आई एम रॉन्ग, because if India wants to move ahead and is ready to compromise or show flexibility on the Kashmir dispute and wants to reach a modus vivendi which is acceptable to all parties including the people of Jammu and Kashmir, then it's okay. I'm all for that, but my apprehension is that India is using this bogey of bilateral engagement or back channel diplomacy to further weaken Pakistan's position on Jammu and Kashmir. And this engagement on the back channel, mark my words, will deliver nothing for Pakistan. And this is what my fear is. The question is, हिंदुस्तान हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो नुकसान पहुंचाया जा रहा है सिविलियंस को, लेकिन जितना नुकसान ये हमें इस वक्त, जब ये कहता है ना सीज फायर, इसको सीज फायर करनी चाहिए अगेन अमंग्स द वर्ल्ड पास। ये FATF के अंदर हमारा ये ओपोनेंट है बहुत बड़ा, जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। आपको आपको आपका क्या ख्याल है? ये फ्रांस के साथ ये इसके बड़ी बातें हमें पता चली हैं कि ये फ्रांस को पुश कर रहा है, जिसके हमारे अभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये वहां भी इसने हाथ डाला हुआ है और ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है एंड गिविंग अ बैड इमेज यू नो टू आर कंट्री। सो द क्वेश्चन इज कि हम इनको कैसे करें? मैं तो ट्रैक टू के अंदर ब्रसल्स में और लंदन के अंदर बैठा रहा हूं इनके साथ, ये जेर जबर पे लड़ते हैं, ये बैठते नहीं है कभी किसी चीज के ऊपर। एक अग्री करेगा, दूसरा डिसएग्री कर जाएगा और आपकी बात इधर की उधर चली जाएगी। सो आप इनको बिल्कुल हाथ आगे रखें, बट बी कॉशियस, बी केयरफुल, बी प्रिपेयर्ड, जो कि हमारे आर्मी चीफ ने पहले कह दिया, वी आर रेडी, वी आर ऑलवेज रेडी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहां हमें इनके साथ एक और जो एक आगे बात बढ़ानी चाहिए, जो हमारे आई एम श्योर फॉरेन मिनिस्टर बढ़ाएंगे भी, कि भाई तुम इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाके क्यों पाकिस्तान की मुखालफत करते हो, क्यों हमें एक नेगेटिव एक पिक्चर पेंट करते हो? ये हर जगह जाके करते हैं। सो लेट्स बी ओपन ऑन दैट फ्रंट एज वेल। ये फ्रंट तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन फॉरन फ्रंट जो है इसको भी हमने कंट्रोल करना है कि इनके साथ आप डायलॉग हमारे साथ करो, भाई डायलॉग करो। आप मोनोलॉग कर रहे हो, वी डोंट वॉन्ट मोनोलॉग, वी वॉन्ट डायलॉग। आप देखो एट द एंड ऑफ द डे आपके लोग भी दुनिया से जा रहे हैं, हमारे भी दुनिया से जा रहे हैं, तो क्या इज दिस व्हाट वी आर लुकिंग फॉर आफ्टर इंडिपेंडेंस? नो वी डोंट। जो मसले मसाइल हैं, हमारा पानी का मसला है, हमारे और दीगर जो मसले हैं, आप उनको रिजॉल्व करो, बैठ के हो सकते हैं, लेकिन इंडिया गॉट गुड पीपल इन इट एंड आई एम श्योर गुड पीपल विल इवेंचुअली कम अप एंड सेव द रीजन, क्योंकि इस रीजन को हमने प्रोटेक्ट करना है, इंडिया और पाकिस्तान बोथ न्यूक्लियर पावर्स। सो अगर हम लॉगर हेड्स पे रहेंगे तो याद रखें कि बाकी सुपर पावर्स हैं, वो दोनों का फायदा उठाएंगी और आपस में हमारे इख्तलाफात पैदा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही टू फ्रंट वार यानी चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ लड़ाई की बात हो रही थी, और अब खबर यह आ रही है कि चीन के साथ LAC पर समझौता तो हो ही गया, अब पाकिस्तान के साथ भी LOC पर समझौता हो गया।
दरअसल चीन तथा पाकिस्तान दोनों के साथ सीमा पर शांति बहाल रखने के लिए भारत के साथ पहले से ही एक समझौता मौजूद है। जहां चीन के साथ यह समझौता 1993 में हुआ था, वहीं पाकिस्तान के साथ यह 2003 में हुआ था। पाकिस्तान इस समझौते को अपने ढंग से पालन करता है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि पाकिस्तान के साथ हमारी 3323 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और 740 किलोमीटर की एलओसी है। यह 740 किलोमीटर का एलओसी जम्मू कश्मीर के साथ गुजरता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को प्रवेश कराने के लिए पाकिस्तान सीमा पर अनावश्यक फायरिंग करता है ताकि आतंकवादियों को एक तरह से कवर दिया जाए ताकि भारत में वे प्रवेश कर जाएं और जम्मू कश्मीर में फिर अपना वह एजेंडा पूरा कर सके। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नज़र रखने वाले लोगों का यह मानना है कि पाकिस्तान ने देखा कि जब चीन लंबे समय तक भारत के साथ तनाव की स्थिति में नहीं रख सकता तो फिर पाकिस्तान की क्या औकात, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी यह मंजूरी नहीं देती कि वह लंबे समय तक तनाव में रहे। इसी कारण पाकिस्तान ने भी आनन फानन में शांति बहाल या सीज फायर का समझौता भारत के साथ कर लिया। उसको यह पता है कि इससे नुकसान से बचा जा सकता है। पाकिस्तान के कुछ लोगों का, जिसमें एक भूतपूर्व राजनयिक अब्दुल बासित भी, उनका यह मानना है कि यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। भारत सीज फायर या का लॉलीपॉप खिलाकर पाकिस्तान से धीरे धीरे कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे हड़प लेगा। यह मोदी के चाणक्य नीति का एक हिस्सा है। मोदी की चाणक्य नीति क्या है, कामयाब होगी या ना होगी, यह वक्त ही बतलाएगा। लेकिन अब तक जो भी चाल मोदी ने चला है वह अब तक कामयाब ही रही है, और आगे क्या होगा यह तो भविष्य पर छोड़ देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।